एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि सिलेटेड टू क्या है या सिलेटेड टू बी क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा सिलेटेड टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो किसी काम का होना तय है या किसी काम को होना है, यानी कोई काम फ्यूचर में होगा ऐसा शेड्यूल्ड हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम सिलेटेड टू बी का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी इंसान को कोई चीज बनना तय है या कुछ बनना है, यानी वह इंसान फ्यूचर में ये बनेगा ऐसा शेड्यूल्ड है या ऐसा तय हो गया है या मुकर्रर हो गया है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो अमन को मेरे कस्बे का चेयरमैन होना तय है या अमन को मेरे कस्बे का चेयरमैन होना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अमन इज सिलेक्टेड टू बी द चेयरमैन ऑफ माई टाउन, यानी अमन को मेरे कस्बे का चेयरमैन होना है या होना तय है। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में इस्तेमाल किया सिलेटेड टू बी, जिसका सेंस था कि ये शेड्यूल्ड है कि ये काम फ्यूचर में होगा। अगर आपको कहना हो रोशन को इस कंपनी का मैनेजर बनना तय है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे रोशन इज सिलेक्टेड टू बी द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, यानी रोशन को इस कंपनी का मैनेजर होना है या मैनेजर होना तय है, यानी ये काम फ्यूचर में होगा ऐसा शेड्यूल्ड है या ऐसा तय है। अगर आपको कहना हो उसे ये काम करना तय है या उसे ये काम करना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज सिलेक्टेड टू डू दिस वर्क, यानी उसे ये काम करना तय है। यहाँ मैंने बोला सिलेक्टेड टू, जिसका सेंस है कि यह काम फ्यूचर में होगा, ये तय है या शेड्यूल्ड है। उसे मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल होना तय है या होना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज सिलेक्टेड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, यानी उसे मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल होना है या होना तय है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेक्टेड टू या टू बी का मतलब समझ में आया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कई बार सिलेक्टेड टू के जगह पर सिलेक्टेड फॉर का भी इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा तब किया जाता है जब सिलेक्टेड फॉर के बाद आप कोई वर्ब न लिखें। जैसा कि आप तक अभी ने जो भी एग्जांपल्स देखा वहाँ सिलेक्टेड टू के बाद मैंने लिखा एक वर्ब। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है बी, जो है एक वर्ब जिसका मतलब होता है होना या बनना। यहाँ मैंने लिखा है डू, जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है करना। तो जब आपके सेंटेंस में एक वर्ब ना हो तो आप सिलेक्टेड टू के जगह पर सिलेक्टेड फॉर का इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपको कहना हो कि वोटिंग कल होना तय है या वोटिंग कल होना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वोटिंग इज सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट डे, यानी वोटिंग कल होना है या वोटिंग कल होना तय है। अगर आपको कहना हो उसे अगले साल तरक्की तय है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज सिलेक्टेड फॉर प्रमोशन नेक्स्ट ईयर, यानी उसे अगले साल तरक्की तय है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने शानदार तरीके से सीखा कि सिलेक्टेड टू क्या है या सिलेक्टेड टू बी क्या है या सिलेक्टेड फॉर क्या है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।